मेरी उम्र 11 साल है। मैं कंप्यूटर के जैसे अपने दिमाग में कोई भी पिक्चर या फोटो देखता हूँ और अपने दिमाग में स्टोर कर लेता हूँ। मैंने इस तरह से बहुत सी ड्राइंग बना रखे हैं, स्टोर करके मैं अपने या शांत जगह में बैठ के बनाता हूँ। कोई बैठा है ओदी फोटो बना ली, कोई सर आए ने वो बैठे ने उन्हां दा स्केच बना लिया, वैसे ही बैठे बैठे दा बना दिंदा हुंदा सीगा। जदों असीं ओदी स्केचिंग देखी कि इह बैठे बैठे किन्ना सोहणा बना सकदा है, असीं इहनूं मोटिव देना शुरू करता। बिल्कुल सर, स्कैचिंग दे विच इहदी इन्नी क फास्ट हैगी है वी जे तुसीं कहो कोल बैठ के सामने अद्धे घंटे बाद इह तुहानूं स्कैच रेडी कर दे। मीनिंगफुल चीज़ा जिन्हां दे विच इहने दस्सियां होईयां ने, ये बहुत ही वधिया बच्चा है, इनू हर वो चीज़ प्रोवाइड कराई दी आर्ट दे रिलेटेड जो इनू चाहिए। मेरा नाम खुशप्रीत कौर है, मैं प्रयास एजुकेशनल चैरिटेबल सोसाइटी दे नाल जुड़ी हुई हैं और ये बच्चा साड़ी कोल पंजवीं क्लास दे विच पढ़दा है। ये वो बच्चे ने जो कि स्लम एरिया दे बच्चे ने और अंडर प्रिविलेज्ड जिहड़े बच्चे हुंदे ने उत्थे सारे वो बच्चे रहिंदे ने। असीं उन्हां नूं इकट्ठा करके एक जगह ते एक प्रयास शुरू कीता हैगा जिहदे विच असीं उन्हां दे गुणां नूं देख के अगे उन्हां नूं करते हैं कि भी हाँ हूँ तुम ये कर सकते हो, तुम जो भी जे किसी आर्ट का हैगा वो आर्ट का कर रहे, जिमें कि आदित्य मंडल हैगा ये स्कैचेज और तुम पिछे देख रहे होंगे स्कैचेज बनाए हुए ने इन्हें और ड्रॉइंग्स बनाई हुई ने। बहुत मीनिंगफुल चीज़ा जिन्हों के इन्हें दसिया हुई ने, ये बहुत ही वधिया बच्चा है, इनू हर वो चीज़ प्रोवाइड कराई दी आर्ट के रिलेटेड जो इनू चाहिए है। ਬੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਸਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਏ ਵਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਜ਼ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਬੋਲ ਕੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣੇ ਆਪਣੇ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਸੈਟਰਡੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਇੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਟੋਪਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈਦੇ ਹੈ, ਸੇਵ ਅਰਥ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਸੇਵ ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਪਿਕਸ ਦੇ ਦੇਈਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੋਪਿਕਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਖੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੁਨਰ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। मेरा नाम दित्या मंडल है, मैं 5th क्लास में पढ़ता हूँ। मेरी उम्र 11 साल है। मैं कंप्यूटर के जैसे अपने दिमाग में कोई भी पिक्चर या फोटो देखता हूँ और अपने दिमाग में स्टोर कर लेता हूँ। मैंने इस तरह से बहुत सी ड्राइंग बना रखे हैं, स्टोर करके मैं अपने या शांत जगह में बैठ के बनाता हूँ। मैंने कुछ बना रखी हैं, ये देखो क्या 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 बना रखे हैं, इनका थीम क्या है, ऐसे बताओ खड़े होकर। ये देखो भगत सिंह नशे वाले, और ये घोड़ा, ये वो जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था वो बना रखा हूँ, सिद्धू मूसेवाला, गुरु नानक जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऐसे बहुत से बना रखे हैं। ये आपने एक बारी पिक्चर देखते हुए दिमाग में बिठा लेते हो? यस सर। और इसके अलावा अपने मैडम प्रिंसिपल की बनाई है? यस सर, प्रिंसिपल की भी बना रखी है। मैडम की फिर कहाँ से देखी वो फोटो आपने? मैंने डीपी से देखी थी उनके मोबाइल में। यस सर। तो फिर मैडम को दिखाई है आपने? यस सर, मैम को भी दिखाई है। तो फिर ये आपको ये जो सारा सामान सामान कौन देता है, ये इसका ड्राइंग फाइल? ये हमारी स्कूल की प्रिंसिपल देती है, हमारे को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो देती है, जैसे कलर या पे ड्राइंग फाइल, पेंसिल पुंसल, ये सब हमारी मैम देती है। अच्छा, तो ये अपना तुम्हारे मम्मी डैडी क्या करते हैं? मेरे डैडी मजदूरी करते हैं और मेरी मम्मी घर में रहते हैं। और जिस स्कूल में आप पढ़ते हो और भी बच्चे ऐसे ही हैं सर, उनके माँ बाप ऐसे ही? यस सर। यस सर, मजदूरी करते हैं? यस सर। जो आपने वो पेंटिंग सामने बना रखी है मोबाइल वाले, उसका क्या मतलब दिखाना बताना? ये फोन ने पूरी दुनिया को अपने वश में कर लिया, हमें फोन नहीं देखना चाहिए। उसके साथ में जो है, उसके साथ में हमारे को सिगरेट नहीं पीना चाहिए, नशा उशा नहीं करना चाहिए। उसके साथ हालांकि सिगरेट पीने से हमारा फेफड़ा जल जाता है और बम जैसे हमारे को फाड़ देता है और नसल ये मजबूर कर देता है। इसके साथ में जो पिंजरे वाली है, ये देखो इसमें दिखाया गया है टाइम पास, बच्चा पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई नहीं, उसके हाथ में फ़ोन है, बल्कि वो फ़ोन देख रहा है, फ़ोन ने अपने पूरे अपने भारत को अपने वश में कर लिया है। वश में कर लिया। यस सर। इसके अलावा और भी क्या बना रखा आपने?
और भी बना रखे हैं, जैसे ये हमारे नशा हम नहीं पीते बल्कि वह हमें हमको पीता है, ये घर उर और हिंदुस्तान भगत सिंह और ये सिद्धू मूसेवाला, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे, ये देखो और ये गुरु नानक जी, गुरु नानक जी भी बना रखी है। सिद्धू मूसेवाला दिखाओ उठा के पेंटिंग। सिद्धू मूसेवाला ये कब बने सिद्धू मूसेवाला के? ये कल शाम को। क्या इसमें क्या दिखाया गया है? सिद्धू मूसेवाला क्या क्या पकड़ा हुआ है? सिद्धू मूसेवाला उन्हें गन पकड़ी हुई है, ऐसे गन पकड़ी हुई है। आपको अच्छे लगते सिद्धू मूसेवाला? यस सर। कहाँ देखा था ये? मैंने टीवी में देखा था, फिर उसके साथ तो लड़ाई वाली फिल्म ही थी सिद्धू मूसेवाला की, न्यू फिल्म निकली थी एक, तो उसमें ना फिर लाइट चल गई, मैंने छत पे बैठ के रोशनी सी 5 बजे तो मैं आराम से बनाया। आराम से बना लिया? यस सर। अच्छा, और इसके अलावा आपने कोई और सिंगर की पंजाबी बना रखी है? यस सर, जैसे अमृत मान, करण ओजला, टाइगर शॉप की बना रखी है। बना रखी है? यस सर। तो फिर आगे क्या आपका बड़े होकर क्या बनना है? मैं बड़ा होकर आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। आर्टिस्ट बनना चाहते हो? क्यों आर्टिस्ट क्यों बनना चाहते हो? मेरा सपना है कि मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करूँ, अपने स्कूल का नाम रोशन करूँ और बहुत से अच्छे अच्छे ड्राइंग बनाऊँ।